सो अभी कुछ दिन पहले एजाज खान ने एलविस यादव और रजत दलाल को लेकर स्टेटमेंट दिए थे कि जब लोग से कंट्रोवर्सी हुई थी तब एलविस यादव मैटर को कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए बड़े बड़े नेता लोग से एजाज खान को कॉल करवा रहे थे। ऐसा एजाज खान का किसी के पॉडकास्ट में कहना था, बट अब यहाँ तक इस पर एलविस यादव कुछ भी रिप्लाई या फिर रिएक्शन नहीं दिए थे। एलविस यादव इस सब चीजों से कहीं ना कहीं ऊपर उठ चुके हैं, आलतू फालतू जगह पर रिप्लाई देना बंद कर दिया। बट अभी यहाँ पे एलविस यादव के टीममेट लक्ष्य की तरफ से इस पर रिप्लाई आ गया है। बेसिकली भी लक्ष्य ने एजाज खान को रोस्ट करते हुए वीडियो अपलोड किया, जहाँ उन्होंने एजाज खान को रोस्ट करते हुए क्या क्या कहे मैं आप लोगों को क्लिप दिखा देता हूँ। मार्केट में ना कुत्ता खुला छूटा पड़ा है बेचारा, वो बूढ़ा कुत्ता कभी कहीं मुंह मार रहा है कभी कहीं मुंह मार रहा है, यूं सोच रहा है कहीं से मेरा करियर रिवाइव हो जाए। पर भाई तू टेंशन मत ले, आज तेरा इलाज ढंग से बांध देंगे। एज के साथ साथ है ना लोगों में ना बुढ़ापा आता है, पर इसमें भड़वापन आया है। एजाज सबको लोकेशन देता फिरता है, कभी यहाँ आ जाओ कभी वहां जाओ कभी मेरे घर आ जाओ कभी इधर चले जाओ, बट भाई एक ऐसी जगह है जहाँ तू इन सब से जीत सकता है, वो है तेरी इमेजिनेशन। इसका पूरा नाम है एजाज खान, पर लोग इसको बोलते हैं अबे जाए यहाँ से। लोगों का करियर आखिरी सांस लेता है, पर इसका मर चुका है, मरने के बाद अभी सिर्फ फड़फड़ा रहा है। एजाज खान यार तेरा करियर खत्म हो चुका है, अब तो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जेल में जाके बिता। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग एजाज खान को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पे आप लोग का अपना कुछ ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना छोटा सा अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।